एवरीवन, आई एम अपर्णा बोबड़े एंड वेलकम टू शिव अध्ययन स्कॉलर्स एकेडमी। अब तक हमने सीखा कि एबेकस क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ एबेकस, अपनी किट को किस तरह से होल्ड करते हैं बच्चे, जो छोटी किट होती है उनकी, जो स्टूडेंट किट होती है उसको किस तरह से होल्ड करते हैं, उसमें वैल्यूज कैसे इंसर्ट करते हैं, ये सारी चीजें हमने अब तक सीखी। आज के क्लास में हम सीखेंगे पहली मेथड जो है डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में हम कैलकुलेशंस कर गए, बहुत ही इजी इजी कैलकुलेशंस होते हैं जो डायरेक्टली हो जाते हैं और बहुत ही इजी मेथड है ये, तो हम करते हैं आज के मेथड शुरू डायरेक्ट मेथड। सो डायरेक्ट मेथड में मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखूंगी, वो एग्जांपल हम किट पे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड में। सो पहले मैंने ले रही हूं 2 1 1, ये हो गया। सो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 2 1 1, इसको प्लस करना है। अभी एबेकस में क्या होता है, यहाँ पे अगर कोई आपको सिंबल नहीं दिख रहा है, कोई भी सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये हो गया प्लस, और अगर यहाँ पे मैं सिंबल देती तो ये हो गया माइनस। अभी मैं इसको रीड करते टाइम किस तरह से करेंगे, एबेकस में रीड करते टाइम हम किस तरह से करेंगे, +2 +1 +1, इसका आंसर हमें किट पे डायरेक्ट मेथड से निकालना है। सो ये हो गया, एक बार फिर से रीड करते हैं, +2 +1 एंड +1, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, डायरेक्ट मेथड बहुत ही इजी है। सो हम करेंगे +2। मैंने आपको कहा था एबेकस की शुरुआत हम यूनिट पॉइंट से करते हैं, मतलब 1 स्टोर से, तो +2 है तो हमें कितने बिट्स को अपर साइड करना पड़ेगा, 2 बिट्स को। सो ये हो गया +1 +2। हम किस तरह से करेंगे, किस फिंगर से करेंगे, थंब से करेंगे। मैंने आपको एबेकस किट का, जब भी मैंने आपको बताया था एबेकस किट के बारे में किस तरह से होल्ड करते हैं, उसमें मैंने बताया है कि जब भी हम प्लस करेंगे तो हम बाय थंब से करेंगे, और जब भी हमें नीचे आना है मतलब माइनस करना है तो हम इंडेक्स फिंगर से करेंगे। सो +2 +2 को मैंने किया है +2 +1 +2 बाय थंब, देन अगेन +1, सो मुझे फिर से +1 करना है, तो +1 करने के लिए हमारे पास बिट्स है, यस, सो +1 करेंगे हम, +1 बाय थंब, देन अगेन +2 हो गया, +1 हो गया, और अभी ये +1, सो ये +1 फिर से करेंगे, +1 बाय थंब। सो +2 +1 और +1, इसका आंसर क्या आया है, 1 2 3 4, आंसर आया है 4। समझ में आया। एक और सिंपल एग्जांपल लेती हूँ डायरेक्ट मेथड के लिए, +4 -1 -2, बहुत इजी एग्जांपल है। पहले मैं आपको इसको क्लियर कर लेती हूँ, अभी करना है मुझे +4 हम यूनिट पॉइंट पे ही करेंगे, +1 +2 +3 +4, ये हमारा हो गया +4 करेक्ट कर लिया हमने। अभी करेंगे -1, तो प्लस करते टाइम हमने थंब का यूज किया था, अभी माइनस करते टाइम हम किस चीज का यूज करेंगे, किस फिंगर का यूज करेंगे, इंडेक्स फिंगर का। सो -1 यहाँ पे आ गया, -1 भी हमारा हो गया है। अभी -1 के बाद हम करेंगे -2, तो -2 के लिए भी हम इंडेक्स फिंगर का यूज करेंगे, देखिए -1 -2, सो +4 -1 -2, आंसर क्या आया हमारा, 1। यहाँ पे जो है वो हम आंसर में लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 1। ये हो गया डायरेक्ट मेथड। एक दो एग्जांपल और सॉल्व करा देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी करेंगे +2 +2 +2 -1 और +1, ये एग्जांपल देखिए, +2 हमने एबेकस किट क्लियर कर ली है, ये सारे ऊपर के बिट्स ऊपर है, अपर बिट्स ऊपर है, और लोअर बिट्स नीचे की साइड है, सो ये हमारे एबेकस किट क्लियर हो गई है। अभी हम करेंगे +2, यहाँ पे देखिए, अभी 1 रोड पे +2 +1 +2 +2 बाय थंब, अभी अगेन +2, तो +2 के लिए हमारे पास बिट्स है, सो +2 +1 +2 बाय थंब, +2 +2 हो गया। अभी हमें करना है -1, तो -1 हम इंडेक्स फिंगर से करेंगे, सो ये है -1, देन अगेन +5, सो अभी हमें +5 करना है, तो यहाँ पे तो बिट नहीं है, सो ये है 5। मैंने आपको कहा था अपर बिट की वैल्यू होती है 5, तो अभी हमें +5 करना है, तो मैं एक अपर बिट को डाउन साइड करूंगी, मतलब ये +2 +2 -1 और +5, इसका आंसर आया है 5 6 7 8, आंसर आया है 8। समझ आ रहा है आपको। अभी एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम, +2 +1 -2 +5 +2 +1 -2 +5, सो ये है +2, अभी किट क्लियर हो गई है।
अभी हमें करना है प्लस टू, तो प्लस टू करते टाइम प्लस वन प्लस टू, प्लस वन प्लस टू, अभी प्लस वन प्लस वन इजीली हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा। अभी हमें करना है माइनस टू, माइनस टू भी हमें डायरेक्टली हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वन और ये माइनस टू। अगेन अभी हमें करना है प्लस फाइव, तो प्लस फाइव करते टाइम हम क्या करेंगे, एक अपर बिट को डाउन साइड कर देंगे, ये हो गया प्लस फाइव। सो अभी प्लस टू प्लस वन माइनस टू प्लस फाइव, इस एग्जाम्पल का आंसर आया है हमारा फाइव सिक्स, आंसर आया हमारा सिक्स। इस तरह से डायरेक्ट मेथड में बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही सिंपल सिंपल, क्यों डायरेक्ट मेथड हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका आंसर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि मैंने किया प्लस फाइव प्लस टू प्लस टू, माइनस नाइन भी कर लू तो ये हो गया फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, सो इस चीज का आंसर आएगा जीरो। सो ये छोटे छोटे कैलकुलेशन होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट मेथड में। आज हमने सीखा डायरेक्ट मेथड, पिछली क्लास में हमने सीखा था इंट्रोडक्शन ऑफ एबेकस, अभी हम अगले क्लास में लेंगे स्मॉल फ्रेंड। सो अभी अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आई तो आप एक बार फिर से वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ एबेकस की, तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जरूर देखिए और मजे से एबेकस सीखिए। तब तक के लिए थैंक यू।